स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसके अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जानेंगे कि मेटल्स अगर कोई वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, मेटल्स अगर है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होगा, यहाँ में रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्शन कोई भी अगर मेटल करता है वाटर के साथ तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि अगर कोई भी मेटल है उसको अगर हम लोग वाटर में डायरेक्टली डिप कर देते हैं, वाटर उसमें डाल देते हैं या उसको उठाकर मेटल को वाटर में डाल देते हैं तो वहां पे क्या रिएक्शन होगा। अगर कोई भी मेटल है उसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस वहां से निकलेगा। ये जनरल केस होता है, ये सारे मेटल के साथ भी नहीं होगा लेकिन ज्यादातर मेटल के साथ ये वाला चीज होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे मेटल के साथ सेम केस होगा, ठीक है। कुछ जो मेटल जो रिएक्शन होगा, जो कि मेटल ऑक्साइड अगर सोल्यूबल हो जाता है वाटर में तो वहां पे वो मेटल ऑक्साइड वापस से मेटल के साथ रिएक्ट करके सीधे मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन भी बना सकता है, या फिर कोई मेटल बहुत ही ज्यादा अगर सोल्यूबल, मेटल ऑक्साइड उसका सोल्यूबल है, जैसे सोडियम उसका मेटल ऑक्साइड जो होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर में, तो वो जाके सीधे मेटल हाइड्रोक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के जगह पे यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो मेटल जो है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। दोनों का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है तो इसी फॉर्मूला पे चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल जो वाटर के साथ होता है, इसको हम लोग जो जितने सारे एलिमेंट है इनका भी अलग अलग नखरा है, इनका भी अलग अलग तरीका है कि सबके साथ जितने मेटल्स है उन सबका रेट अलग अलग होगा रिएक्शन का। जैसे कि अल्कलाई मेटल का बात करें, सोडियम पोटेशियम की अगर हम लोग बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अगर आप लोग छोटे सा सोडियम का टुकड़ा या पोटेशियम का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप एक जार है आपके पास जिसमें पानी भरा हुआ है या कटोरा है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आप एक छोटा सा टुकड़ा आप डिप कर देते हो तो सीधे थोड़ा सा डायरेक्टली वो उसमें आग लग जाएगा और वो ब्लास्ट करके बाहर फट के निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना फास्ट रिएक्शन करता है। अगर हम लोग सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, साथ साथ बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट होगी। ये जो हीट एनर्जी जनरेट होती है इसी से हाइड्रोजन में भी आग लग जाती है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन जो है एयर में से ऑक्सीजन लेके वाटर का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ पॉप साउंड भी सुनाई देगा, साथ साथ यहाँ पे बर्निंग जो सोडियम या पोटेशियम रहेगा वो वहां पे बर्निंग करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतना ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन के साथ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वहां पे जो हाइड्रोजन जो बनता है वो जलने लगता है, इतना ज्यादा हीट उत्पन्न होती है वहां पे रिएक्शन में। तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा पोटेशियम जो है, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बनेगा। सेम रिएक्शन हो जाएगा सोडियम के साथ, सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा NaOH प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा प्लस यहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगी, HE हीट एनर्जी निकलेगी। सेम रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे ये भी गैसियस स्टेट में निकलेगा NH4 है वो एक्वस स्टेट वाटर में सोल्यूबल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे सॉल्यूशन में आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि बर्निंग हो जाएगी, वहां पे जलता हुआ प्रतीत होगा आपको, साथ साथ हीट एनर्जी बहुत ही लार्ज अमाउंट में निकलेगी। तो जो मेटल्स में है पोटेशियम सोडियम लिथियम, ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर, इवन कोल्ड वाटर के साथ भी, हॉट वाटर के साथ तो रिएक्ट करेगा, नॉर्मल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर भी रहेगा तो उसके साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम का। ये थोड़ा सा सोडियम पोटेशियम से थोड़ा सा शांत मेटल होता है लेकिन रिएक्ट सेम वही, ये भी वही करता है। कैल्शियम जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, साथ साथ हीट एनर्जी भी बहुत ज्यादा निकलेगी। हालांकि ये जो है बहुत ही ज्यादा कोल्ड वाटर के साथ तो नहीं लेकिन नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो हाइड्रोजन है वो जो निकलेगा वो वाटर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहां पे बर्निंग देगा, तो ये भी रिएक्ट करता है लेकिन सोडियम पोटेशियम जितना वायलेंटली रिएक्ट नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इसकी रिएक्टिविटी जो है, जो रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है कैल्शियम से सोडियम से पोटेशियम से, इसलिए ये नॉर्मल वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन रिएक्शन सेम हो जाएगा। मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है यहाँ पे वाटर के साथ H2O के साथ जो कि ये हॉट वाटर रहेगा, ठीक है, अगर रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। तो ये होगा, इसके साथ इसमें आग नहीं लगने वाली, ठीक है, इसमें आराम से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा क्योंकि उतना टेम्परेचर इसमें नहीं हो पाता, हीट एनर्जी इसमें भी निकलती है
लेकिन जो सोडियम और कैल्शियम के साथ हो रहा था उतना ज्यादा हीट एनर्जी नहीं निकलती, इसलिए हाइड्रोजन आराम से यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा, लेकिन ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे कोल्ड वाटर भी चलेगा, ठीक है, कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए हॉट वाटर, जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज और, कैल्शियम जो है, जो रिएक्शन होता है कैल्शियम वाला के साथ, ये जो है, ये कैल्शियम मेटल जो होता है वाटर से डेंसिटी में तो ज्यादा हाई होता है, इसलिए वाटर में जाते हैं ये तो डूब जाना चाहिए, और ऐसा होता भी है। जैसे ही आप पानी में इसको डिप करोगे कैल्शियम मेटल को, ये वाटर में डूब जाएगा, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, तो हाइड्रोजन जाके मेटल के सरफेस पे कैल्शियम के सरफेस से चिपकेगा और इसको ऊपर लेके चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप समझो गिलास है, ठीक, गिलास ले लिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, अब एक छोटा सा टुकड़ा इसमें कैल्शियम का यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये कैल्शियम है, ठीक है। जैसे ही डाला तो यहाँ पानी के साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, तो हाइड्रोजन के जो बबल्स होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन तो सॉल्वल नहीं होता वाटर में, हाइड्रोजन ये कैल्शियम पे चिपक जाएंगे। अब ओवरऑल चिपकने के कारण इसकी ओवरऑल डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगी, इसलिए ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा इसमें से, ये वापस से डिप हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, वापस ये ऊपर नीचे यहाँ पे डांसिंग करते हुए प्रतीत होगा। तो जो भी हाइड्रोजन है वो ऊपर, जो कैल्शियम है मेटल है, वो ऊपर नीचे गिलास में करता हुआ नजर आएगा। अब हम लोग बात करें कि कैल्शियम की बात कर लिए, सोडियम की बात कर लिए, मैग्नीशियम की बात कर लिए। अब जैसे जैसे जो मेटल्स है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, तो यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर, हमको पहले कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लिया, फिर नॉर्मल वाटर से रिएक्ट किया, हम लोग हॉट वाटर तक आए थे। अब यहाँ पे देखो क्या, मेटल्स लाइक अल्मोनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। जैसे मैंने बताया सोडियम जो था वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर गया था, उसके बाद हम लोग आए मैग्नीशियम पे, ये हॉट वाटर से रिएक्ट किया, उसके बाद हम लोग आ गए अल्मोनियम पे। अब बात कर रहे हैं अल्मोनियम की, आयरन की, जिंक की, ये सब कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये स्टीम से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये स्टीम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सेम चीज होगा, हाइड्रोजन गैस का ही फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्मोनियम है ये वाटर के साथ, यहाँ पे जो वाटर है गैसीय स्टेट में लिखा हुआ, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, गैसीय स्टेट मतलब की स्टीम के फॉर्मेशन, सिंबल लिख दिया उसी से काम हो गया, साथ में हीट करेंगे तो अल्मोनियम ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सेम रिएक्शन हो जाता है आयरन के साथ, आयरन भी जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। तो सेम रिएक्शन जिंक के साथ भी आप रिएक्शन लिखना चाहे तो जिंक प्लस H2O, ठीक है, ये भी गैसीय स्टेट में रहेगा, तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो है जिंक के साथ, आयरन के साथ, अल्मोनियम के साथ, यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम के फॉर्म पे रहना चाहिए, साथ में हीट करेंगे मेटल को, तो यहाँ पे रिएक्शन फॉलो होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेटल सच एज लेड, पीवी मतलब कि लेड, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। जैसे कि अगर हम लोग सिल्वर को Ag, ठीक है, Ag को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, अब यहाँ पे वाटर आप स्टीम ले लो, हॉट ले लो, कोल्ड ले लो, जो मने से वो कर लो, लेकिन ये नो रिएक्शन ही होगा, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होने वाला, ये रिएक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। यहाँ पे आप एक देख लो एपरेटस, यहाँ पे सेटअप किया, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर में यहाँ पे ग्लास उल है, ठीक है, ग्लास का जो उल होता है वो वाला उल रखा गया, जो कि वाटर में डिप किया गया, तो इसकी वाटर में इसलिए डिप किया गया क्योंकि इसमें वाटर यहाँ पे सोख ले, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे एक स्ट्रिप रख किया गया मेटल का, यह मेटल का स्ट्रिप जो है वो आयरन का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, एल्यूमिनियम का, जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे स्ट्रिप रख दिया गया मेटल का और कॉर्क के मदद से बंद कर दिया गया और एक पाइप इसमें कनेक्ट कर दिया गया, बाकी सील बंद कर दिया गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे इसको डिलीवरी ट्यूब के द्वारा यहाँ पे उल्टा करके टेस्ट ट्यूब रखा गया, क्या अगर बबल उठे तो यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद हम इस जो ग्लास उल था उसको हम लोग यहाँ पे बर्नर की मदद से यहाँ पे हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होगा, H2O जो है वो गैसियस फॉर्म पे प्रोड्यूस होगा, गैसियस फॉर्म प्रोड्यूस होगा, ये इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे जिंक हो, अल्मोनियम हो, आयरन हो, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे कि पता है मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमको दिखने लगे, यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा, ओके। अब जब यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा ठीक ठाक, उसके बाद उसको हम लोग मैच स्टिक से अगर उसको जलाते हैं तो पॉप साउंड का आ जाएगा, हाइड्रोजन का टेस्ट हो जाएगा, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है और मेटल रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ठीक है, एसिड बेस साल्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ पे भी सेम है। मेटल अगर डायल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, रिएक्ट करेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। अल्मोनियम करेगा तो अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3,
प्लस एच टू, यहाँ पे गैस निकल, जिंक करेगा तो जिंक क्लोराइड जेड एन सी एल टू प्लस एच टू, ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेना। आयरन गेट करेगा तो आयरन एफ ई सी एल थ्री, आयरन एफ ई सी एल टू प्लस एच टू, ठीक है, एच टू एच टू, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। तो सेम रिएक्शन है, किसी के साथ अगर रिएक्ट करता है एसिड तो मेटल के साथ, तो वहां पे एसिड का फॉर्मेशन, साल्ट का प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा एसिड बेस साल्ट में, मैंने बता चुका ये चीज। कॉपर के साथ एक एक्सेप्शन के से याद रखने के बाद है, कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब कि Cu प्लस HCl लिख दिया जाए तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर रिएक्ट नहीं करता, बाकी सब जनरली मेटल रिएक्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पे सोडियम ले लो, पोटासियम ले लो, कोई भी मेटल ले लो, तो वो सारे रिएक्ट कर जाते हैं। एक एक्सेप्शन आ जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगा, और भी जो एसिड है वो सबके साथ भी यही सिमिलर रिएक्शन चलेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन थोड़ा सा आ जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, क्यों, ये जो है बहुत ही हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब कि जो इस रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो गया था HCl के साथ रिएक्ट किया था, लेकिन जो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, लेकिन HNO3 नाइट्रिक एसिड इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि उस हाइड्रोजन को भी नहीं छोड़ता, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए वहां पे वाटर का फॉर्मेशन साथ साथ NO2 या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जिंक की बात करते हैं, जिंक प्लस HNO3, ठीक है, तो जिंक नाइट्रेट Zn NO3 होल टू प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे निकलता, ठीक है, HNO3 बन गया, यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको भी जिंक नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा और प्लस NO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जिंक के साथ एक्सेप्शन हो जाता है, यहाँ पे जो मेटल रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ये तीनों गैस निकल सकते हैं, NO N2O, ठीक है, लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों में से कोई गैस भी बन सकता है या दो भी बन सकता है, साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा प्लस साल्ट जो बनेगा और रेस्पेक्टिव साल्ट को बनेगा ही, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है लेकिन HNO3 के साथ इतना ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि उसको भी नहीं छोड़ता, उसको भी ऑक्सीडाइज करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो जो H2 प्रोड्यूस हुआ वो यहां से जो ऑक्सीजन इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है तो इसको भी H2O बना देता है, वही H2 यहां पे दिखता है, ठीक है। तो ये चीज अपना हो गया यहाँ पे। एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ आ जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज Mn, ठीक है, ये दोनों अगर बहुत ही ज्यादा डायलूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि Mg है, इसमें HNO3 के साथ रिएक्शन कराए, बहुत ही ज्यादा डायलूट है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। तो आप याद करोगे, जैसे कि आप ध्यान रखोगे कि मेटल मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अभी धड़ाधड़ इसका मैग्नीशियम लिख दिए, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल टू कर दिए, अब प्लस यहाँ पे अगर H2O प्लस NO2 अगर लिख दिए तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि Mg हो चाहे Mn हो, यहाँ पे अगर ये दो चीज है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का ही प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जो पुराना जो HCl वाला के साथ H2SO4 के साथ जो रिएक्शन होता था वही वाला रिएक्शन यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही रिप्लेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीज के साथ, दोनों का सिंबल Mg, ठीक है, और Mn होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्वारियस एसिड, अब जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब ज्यादा एसिड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए एक एक्वारिजा एक दो एसिड का मिक्सचर बनाया गया जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 का रेशियो है, मतलब की 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट अगर नाइट्रिक एसिड, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया, इसको जब भी बनाना है इसको बना के स्टोर करके नहीं रखा जाता है, इसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। अगर ये दोनों का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, ये दोनों को मिक्स करते हैं इस रेशियो में, खास रेशियो 3:1 में, तो उस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे एक्वारिसिया, ठीक है। ये एसिड ऑफ एसिड है, इसमें जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे को ये डिसॉल्व कर देता है। लैटिन में इसका नाम हो जाता है रॉयल वाटर, ठीक है, लैटिन शब्द में इसका एक्वारिसिया का मतलब हो जाता है रॉयल वाटर, ठीक है। इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया, जैसे मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से इसको बनाया जाता है, ओके। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, ठीक है, जनरली एसिड के साथ गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है लेकिन एक्वारिजिया के साथ रिएक्ट कर जाता है।
इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड कैन डू एलोन, ठीक है, अगर एलोन एलोन एसिड के साथ रिएक्ट करा जाए, मतलब कि गोल्ड को नाइट्रिक एसिड के साथ सिर्फ रिएक्ट करा जाए या फिर गोल्ड को सिर्फ HCl के साथ रिएक्ट करा जाए, तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इस दोनों का 3:1 के रेशियो के साथ अगर हम लोग कराते हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा वो हम लोग रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे Au गोल्ड हो गया, HNO3 एसिड हो गया और HCl एसिड हो गया, ये दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पे एक्वारिजिया है, ठीक है, और गोल्ड के साथ रिएक्ट कराने पे यहाँ पे बनेगा हमारा AuCl3, ठीक है, गोल्ड क्लोराइड प्लस यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बनेगा, ओके। इसको रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2Al2 हो जाएगा, ये भी 3HNO3, ये 6HCl हो जाएगा और यहाँ पे 2AuCl3 HCl से बैलेंस हो गया। उसके बाद NO2 का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3NO2, ठीक है, 3 नाइट्रोजन के साथ बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3H2, ठीक है, 3 × 2 = 6, 7 × 8 = 9, यहाँ पे भी 3 × 3 = 9 बैलेंस है। गोल्ड यहाँ बैलेंस हो गया, HCl में यहाँ पे 3 के साथ बैलेंस हो गया, साथ में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 3 इधर से 3 इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो आप रिएक्शन करिए, ये अगर वही हम लोग गोल्ड को सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, नो रिएक्शन होता। वहीं पे गोल्ड को अगर हम लोग सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, नो रिएक्शन होता। लेकिन मिला के अगर किए, एक्वारिजिया बना के किए, तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया। सेम रिएक्शन प्लेटिनम के साथ भी होगा, प्लेटिनम के साथ भी अगर HNO3 एक्वारिजिया प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। अगर एलोन एलोन कराएंगे, अलग अलग कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो यही होता है एक्वारिजिया, काफी हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है ये जो बनता है, और गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में ये काम आता है, इसके साथ रिएक्शन कराने में ये चीज यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, ठीक है, कोई भी मेटल है अगर उसका रिएक्शन क्या होगा, अगर कोई दूसरा मेटल साल्ट है उसके साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, क्या चीज बनेगा, तो वो चीज हम लोग इसमें दिखने वाले हैं, ओके। अगर कोई मेटल है, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्ले द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म, ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को सॉल्यूशन से हटा देगा। ध्यान देने की बात है, ये जो मेटल है, मेटल ए, अगर साल्ट ऑफ मेटल बी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा और मेटल बी बाहर हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जो हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में एसिड बेस साल्ट में जो पढ़ा था, इसके पहले वाला जो पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था वो वही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, अगर हम लोग आयरन के साथ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे FeSO4+ कॉपर निकल जाएगा। तो सेम रिएक्शन मेटल ए हो गया, साल्ट ऑफ मेटल बी सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये जो एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे फेरस सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा और यहाँ पे कॉपर बन जाएगा, कॉपर रिड्यूस होकर यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज जो आप देख रहे हो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और यहाँ पे भी सेम रिएक्शन फॉलो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिएक्शन करा के यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। और भी जितने सारे एग्जाम्पल है वो सब इसमें भी लग, जितने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल वो सारे रिएक्शन के एग्जाम्पल यहाँ पे भी फॉलो होंगे। आप यहाँ पे जिंक को भी ले सकते हो, जिंक को भी अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा तो जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक जो है, कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जो आयरन है जिंक है ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। यही तो लिख रहा है, अगर मेटल साल्ट कोई डिस्प्लेस कर देता है रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को, तो उसको हम लोग ए वाला मेटल साथ रिएक्ट करेंगे। अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कॉपर को FeSO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जिंक के साथ भी अगर हम लोग करेंगे तो कॉपर को अगर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन हो जाएगा, उल्टा में काम नहीं करेगा। लेकिन ज्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए तभी वो सॉल्यूशन में से दूसरे को हटा पाएगा, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन में रखा गया, यहाँ पे आयरन सल्फेट को सॉल्यूशन में रखा गया। यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन था तो यहाँ पे कॉपर वायर ले लिया गया, ठीक है। आयरन सल्फेट में यहाँ पे FeSO4 में कॉपर वायर को ले लिया गया, नो रिएक्शन होगा। वहीं पे यहाँ पे क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को ले लिया है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। फेरस सल्फेट को आयरन के साथ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, फेरस सल्फेट और कॉपर रिड्यूस होकर यहाँ पे निकल, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये रिएक्शन नो रिएक्शन होगा,
क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वही लेस रिएक्टिव मेटल को हटाकर अपने आप को सॉल्यूशन में ले लेता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। जैसे कि जो मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा था वही चीज है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सारे को रिएक्शन करा करा के देखा गया कि कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कौन कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये पाया गया कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम हो गया, उसके बाद सोडियम आते हैं, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन मिडिल में आ जाता है, उसके बाद आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो इस वाले चार्ट से ये जो सीरीज बना तो इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे ऊपर में जो मेटल्स रहते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, और जो सबसे नीचे में जो मेटल होंगे वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे। ठीक है, और जो बीच के मेटल होंगे तो उसमें भी आप सीरीज में देख लो, जो ऊपर है जो जिससे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम है तो कम रिएक्टिव। जैसे कि यहाँ पे आप देखो सोडियम और कैल्शियम दो ठो बीच का मैं उठा रहा हूँ, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, अब कैल्शियम मैग्नीशियम में, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम से, अगर कोई कंपेरिजन कर दे सोडियम और मैग्नीशियम में तो कौन ऊपर है, सोडियम ऊपर है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव। उसी तरह से कोई रिएक्शन में अगर कोई पूछ दे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा जाता है। अब इसी में आ जाता है, अब नीचे वाले का कोई भी साल्ट का सॉल्यूशन रहेगा ठीक है तो ऊपर वाला इसको रिप्लेस कर देगा। जैसे कि नीचे में अगर हम लोग आयरन की बात करते हैं और ऊपर में यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं FeSO4, इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं मैग्नीज के साथ। अब देखो सॉल्यूशन में जो मेटल है जो कंपाउंड में है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, आयरन जो है लेस रिएक्टिव है ना, आयरन नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर ज्यादा, वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे वो कम रिएक्टिव, तो इस तरह का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा MgSO4 प्लस आयरन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन यही उल्टा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे MgSO4 प्लस Fe ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा नो रिएक्शन। ठीक है, तो यही चीज इसमें समझना है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगा वो दूसरे वाले को रिप्लेस कर देता है। तो यहां से एक चीज और आप समझ सकते हो कि जो शुरुआत में मैंने बताया था कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर गया। देख रहे हो आप डिफरेंस भी, देखो हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस कर रहा था वाटर में, तो कितने ऊपर है। ठीक है, इसीलिए तो जो ऑक्सीजन जो था जो शुरुआत में था, मेटल्स रिएक्ट विद H2O वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। तो जितना ज्यादा दूरी का जो मेटल रहेगा जितना ज्यादा रिएक्शन, सोडियम और पोटेशियम जो था वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर गया, मतलब हाइड्रोजन को ही रिमूव करना था, हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव कर गया और आराम से, उसके बाद जैसे जैसे इसके क्लोज आते गया तो हाइड्रोजन की भी पावर बढ़ाने गए, मतलब उसको हीट करके देना पड़ा, स्टीम के फॉर्म में देना पड़ा, तब जाके जिंक, आयरन, लेड ये सब के साथ, अल्मोनियम के साथ रिएक्ट कर रहा था स्टीम के फॉर्म में। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ हॉट वाटर चाहिए था, सोडियम पोटेशियम के साथ कोल्ड वाटर से ही काम हो जा रहा था, कैल्शियम के साथ नॉर्मल वाटर चाहिए था, मैग्नीशियम के साथ हॉट वाटर चाहिए था। जैसे जैसे इसको भी तो पावर एनर्जी देते जा रहे हैं, उसको हीट करने का मतलब इसमें भी एनर्जी डाल रहा है, तभी तो वो जाके रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद अल्मोनियम, जिंक, आयरन ये सब के साथ स्टीम के साथ रिएक्शन करना था, तब जाके ये वाटर जाके इसके साथ रिएक्ट कर रहा था, हाइड्रोजन को रिमूव कर पा रहा था, अब हाइड्रोजन तक पहुंच गए। अब उसके बाद बात करें कि कॉपर था वो बस हल्का सा रिएक्ट कर रहा था, ब्लैक हो रहा था, उसके बाद रिएक्शन बंद। ठीक है, जैसा हम लोग देखा था। उसके बाद हम लोग बात करें कि मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड ये सब के साथ तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा था वाटर जो है, गोल्ड अगर आप वाटर में डाल दो रिएक्शन हो गए, वाटर को बॉइलिंग करके डाल दो, आयरन को ये गोल्ड को मेल्ट करके डालो, जो करके डालना डालो, रिएक्शन होने ही वाला नहीं। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन इन लोग से ज्यादा रिएक्टिव है और यहाँ पे सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन था, वो रिप्लेस होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही चीज हो रहा था इसमें, इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। कौन सा एलिमेंट पर दो चार बार देखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हाइड्रोजन को पकड़ लो पहले, हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन से नीचे में होता है कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड के साथ साथ प्लेटिनम भी आप लिख सकते हो, गोल्ड से प्लेटिनम एक साथ चलता है, तो ये उससे कम रिएक्टिव होगा। अब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव तो लेड हो गया, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इतना से हमारा काम चल जाएगा। अभी 10th क्लास में इतना मेटल का अगर ध्यान रखते हैं तो अभी भी काम चलेगा और आगे 11th 12th में भी काम चलेगा। इससे ज्यादा हम लोग को एलिमेंट को कुछ खास ही है जिसको पढ़ना है अलग से, लेकिन मेटल की अगर हम लोग जहां तक बात कर रहे हैं तो मेटल में इसी को हम लोग को ज्यादा यूज पड़ेगा। ठीक है, एक आध अदर आएगा तो वो हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें भी हो गया कि जो सबसे ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव हो गया, जो सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव, मिडिल वाले मिडिल। तो आपको उम्मीद करता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फूड कैन कोटेड विथ टिन नॉट विद जिंक बिकॉज,
कोई भी फूड कैन होता है उसको टिन से कोट किया जाता है, जिंक से नहीं, ऐसा क्यों? ठीक है, जिंक के ऑप्शन देख लेते हैं। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जो जिंक की मेल्टिंग पॉइंट होती है हायर होती है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक मोर रिएक्टिव होता है टिन के कारण। अब फोर्थ ऑप्शन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर रिएक्टिविटी सीरीज से ही आएगा। जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। ठीक है, अगर हम लोग जिंक का ही हम लोग बना देंगे तो ये जो है फूड मटेरियल्स के साथ जो उसमें एसिड्स एंड बेस होते हैं उसके साथ जाके रिएक्ट कर लेगा और फूड को खराब कर देगा। इसीलिए टिन का उपयोग किया जाता है, कोटेड किया जाता है टिन से, वो जाके रिएक्शन ना करे और हमारा खाना सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।